ओके सो हमने टिंडल इफेक्ट को और ब्लू कलर ऑफ स्काई को डिस्कस कर लिया है. थर्ड हम डिस्कस करेंगे व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स. सो थर्ड पॉइंट इज थर्ड पॉइंट इज व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स. क्लाउड्स जो है वो व्हाइट क्यों दिखते हैं? तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो इसमें हुए वो ये कि क्लाउड्स जो होते हैं वो बहुत ही कम हाइट पे होते हैं. क्लाउड्स आर एट वेरी लो हाइट फ्रॉम द सरफेस. क्लाउड्स जो होते हैं वो सरफेस से कोई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होते. कैसे? आप देखते हैं कि जो नॉर्मल प्लेन होते हैं, जो डोमेस्टिक एयरलाइंस वाले होते हैं, वो प्लेन बादलों के ऊपर उड़ता है. तो आप सोचिए, जब वो फ्लाइट, जो डोमेस्टिक फ्लाइट है, वो कोई स्पेस शटल नहीं है, वो कोई स्पेस में जाने वाला रॉकेट नहीं है, तब भी वो जब उड़ता है तो वो बादलों के ऊपर से उड़ता है. तो उससे हम समझ सकते हैं कि बादल कितनी नीचे हैं, जो क्लाउड्स हैं उनकी हाइट कितनी कम है. तो अगर क्लाउड्स की हाइट कम है तो क्लाउड्स बेसिकली है क्या? क्लाउड इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स क्लाउड क्या है? क्लाउड इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स. ये डस्ट पार्टिकल्स से मिलके बना है. बहुत सारे पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में इधर उधर तैर रहे थे वो धीरे 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 क्लोज आ गए, और क्लोज आके एक सॉलिड फॉर्म जैसा दिखने लगा. जब आप क्लाउड को दूर से देखते हैं तो आपको वो सॉलिड जैसा दिखता है कि वो एक सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जब आप उसको पास जाके देखते हैं तो यू विल फाइंड कि वो जस्ट धुआं है. वो जस्ट धुआं है, हवा जैसा है, जो कि आप उसमें बीच में से आप पार हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्लाउड में से निकल गए. इट्स लाइक दिस. सो क्लाउड बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है और क्लाउड बने हैं डस्ट पार्टिकल्स से. अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स जिससे क्लाउड बने हैं, दीज डस्ट पार्टिकल्स आर ऑफ वेरी लार्ज साइज. ये डस्ट पार्टिकल्स काफी ज्यादा बड़े साइज के होते हैं. इनका साइज बहुत बड़ा होता है. आप बोलेंगे कि नहीं, छोटा सा तो है, दिख ही नहीं रहा. तो आई विल से कि ये जो कंपैरिजन है, ये जो डस्ट पार्टिकल के साइज का कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन हम सनलाइट से कर रहे हैं, सनलाइट की वेवलेंथ से कर रहे हैं. सनलाइट की वेवलेंथ कितनी कम है? आपने देखा अभी 4000 × 10⁻¹⁰ m, 8000 × 10⁻¹⁰, −10 मतलब कितना? पॉइंट के बाद आप 10 शून्य लगा दीजिए, 9 शून्य लगा दीजिए, फिर एक वन लगा देंगे. सो इतनी छोटी उनकी वेवलेंथ है. सो उनके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इनका साइज बहुत बड़ा होता है. सो यहां पे क्या होता है बेसिकली, अगर लेट से ऐसा एक क्लाउड है, इस पे जब सनलाइट गिरती है तो क्या ये क्लाउड एक सॉलिड क्लाउड है? क्या ये एक सॉलिड फॉर्म है? नहीं. आई विल से कि बेसिकली क्लाउड में ऐसी बाउंड्री होती ही नहीं. क्लाउड में किसी भी प्रकार की बाउंड्री नहीं होती. क्लाउड इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स. ऐसे पार्टिकल्स से बन मिलके एक क्लाउड बना है. इट्स लाइक दिस, बहुत सारे पार्टिकल्स. जब सनलाइट इस पार्टिकल्स पे गिरती है तो हम कहते हैं कि लेट्स से इस पार्टिकल का साइज हम एक्स मान लेते हैं. जो सनलाइट गिर रही है इसकी वेवलेंथ को हम लैम्डा मान लेते हैं. लैम्डा, अब आप बोलेंगे कि सनलाइट तो 7 कलर्स में है, तो 7 कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ है. तो लेट्स से हम एक कॉमन वेवलेंथ, एक कॉमन लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देते हैं सभी की वेवलेंथ. ओके, सभी की वेवलेंथ हम लैम्डा बोल देते हैं. तो जब क्लाउड्स पे ये सनलाइट गिरती है
तो क्लाउड का जो ये साइज है, क्लाउड के पार्टिकल्स का जो साइज है एक्स, दिस एक्स इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. क्या होता है एक्स जो क्लाउड्स के पार्टिकल्स का साइज है, डस्ट पार्टिकल्स का साइज है, वो वेवलेंथ के कंपेरेबल होता है. कौन सी वेवलेंथ? सनलाइट से जो आ रही है उस लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल होता है. जब क्लाउड्स के पार्टिकल का साइज इस वेवलेंथ के कंपेरेबल होगा, देन व्हाट आई विल से, आई विल से रेलिक स्कैटरिंग इज नॉट वैलिड. रेलिक स्कैटरिंग यहां पे वैलिड नहीं होगी. अगर रेलिक स्कैटरिंग वैलिड नहीं है तो क्या यहां पे स्कैटरिंग होगी? हम कहेंगे नो, स्कैटरिंग नहीं होगी, क्योंकि रेलिक ने बोला कि यहां स्कैटरिंग हो ही नहीं सकती. उसने इतना ऑब्जर्वेशन किया, इतना पढ़ाई की, तो उसका कुछ तो यूज करें. तो उसकी बात हमने मान ली कि हाँ ठीक है, यहां पे स्कैटरिंग नहीं होगी. अब आप सोचिए कि ये जो क्लाउड पे गिरने वाली लाइट रेज है, जो सनलाइट है, ये सनलाइट जब स्कैटर ही नहीं हो रही तो फिर क्या होगी? तो हम कहेंगे यहां पे रिफ्लेक्शन होगा. रिफ्लेक्शन विल अकर यहां पे रिफ्लेक्शन होगा. और रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा? सनलाइट इस पे गिरी, रिफ्लेक्ट हुई और आपकी आईज में आ गई. जो वो ऐसा बादल तैर रहा है ऊपर हवा में, उस पर सनलाइट गिरेगी, उससे रिफ्लेक्ट होगी और आपकी आईज में आएगी. तो आपको कलर इस बादल का, इस क्लाउड का कलर कैसा दिखाई देगा, इसके पार्टिकल्स का कलर कैसा दिखाई देगा? आई विल से दिस विल अपियर इन वाइट कलर, बिकॉज सनलाइट पूरी पूरी उस पर टकराई, रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज में आ गई. बिकॉज किसी भी कलर की वेवलेंथ को अगर आप ले लें, इन सनलाइट के सेवन कलर्स हैं, सेवन कलर्स में से किसी की भी वेवलेंथ को ले लें, तो किसी भी कलर में किसी भी प्रकार का स्कैटरिंग नहीं होगा. सो आई विल से स्कैटरिंग, नो कलर विल स्कैटर ड्यू टू क्लाउड्स. क्लाउड्स की वजह से कोई भी कलर स्कैटर नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल का साइज वेवलेंथ के कंपेरेबल दिखेगा, तो इसीलिए स्कैटरिंग नहीं होगी. तो सारे कलर एक साथ ही रिफ्लेक्ट होंगे और एक साथ रिफ्लेक्ट होकर आपके आईज में एक साथ आएंगे. तो जब सेवन कलर्स एक साथ आएंगे तो सेवन कलर्स क्या बनाते हैं? व्हाइट कलर. दैट्स व्हाई आई विल से कि क्लाउड्स विल अपियर व्हाइट. व्हाई? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज नो स्कैटरिंग विल अकर इन एनी ऑफ द कलर. एंड व्हाई इट इज सो? बिकॉज दिस इज वैलिड, बिकॉज रेलिक स्कैटरिंग इज नॉट वैलिड. हेंस व्हाइट क्लाउड्स का जो कलर है वो आपको व्हाइट ऑब्जर्व होगा. अब देखिए, ये जो क्लाउड का कलर व्हाइट हमें दिखा, इससे हम कह सकते हैं कि जो सन से लाइट आती है वो व्हाइट लाइट है, वो व्हाइट कलर की. अगर आप मून को देखें तो क्या मून आपको येलो कलर का दिखता है? नहीं, मून आपको येलो नहीं दिखता, मून आपको व्हाइट दिखता है. ओके, तो मून व्हाइट दिख रहा है क्यों? क्योंकि सन से जो लाइट मून पे गिर रही है वो तो व्हाइट कलर की है. तो जब वो व्हाइट कलर की है तो ऑब्वियसली बात है कि व्हाइट कलर की लाइट ही रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट हुई तो इसीलिए मून भी व्हाइट दिख रहा है. ओके, सो इस एक्सपेरिमेंट से, इस ऑब्जर्वेशन से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं प्रूफ करो कि सन से आने वाली लाइट व्हाइट है, कि ये तो येलो दिख रही है फिर व्हाइट कैसे कही, तो आप बोलना कि बादल को देख लो, यू कैन सी द क्लाउड्स, क्लाउड्स व्हाइट दिख रहे हैं, और ये समझा देना. आप किसी को ये समझा देंगे तो फिर वो अगला कभी सवाल नहीं पूछेगा. ओके, सो इस बेसिस पे हमने कह दिया कि क्लाउड्स आर व्हाइट. नेक्स्ट, रेड कलर ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज. सनसेट के समय रेड कलर क्यों दिखता है, सनराइज के समय रेड कलर क्यों दिखता है, किसी भी किसी का भी नहीं, मतलब सन का कलर आपको रेड दिखता है, व्हाइट दिखता है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना. इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए अगेन हमें इन सेवन कलर्स को यूज करना है.
अगर इन सेवन कलर्स की हम बात करें तो हम कहते हैं कि रेड कलर की वेवलेंथ लार्जेस्ट है, या कहें मैक्सिमम है, और इसकी लोवेस्ट है। तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे रेड से हम वायलेट की तरफ आते हैं वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती जाती है, वेवलेंथ कम होती जाती है। और अभी हमने देखा जो पार्टिकल्स हवा में हैं, जो पार्टिकल्स उस एयर के ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, वो पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, वो पार्टिकल्स का साइज कंपेयर टू वेवलेंथ नहीं होता, वो वेवलेंथ से बहुत छोटा होता है। हमने अभी देखा ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है वो कितना है, 4 × 4000 × 10⁻¹⁰। और पार्टिकल का साइज कितना है, 1 × 10⁻¹⁰। तो इसका मतलब यहाँ पे रेलिक स्कैटरिंग तो वैलिड है। तो देखिए, जब सन, दिस इज अर्थ, जब सन धीरे 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 सनसेट होने लगता है तो हम कहते हैं कि सनसेट के समय इस पॉइंट से सन का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, दिस डिस्टेंस। अगर लेट से मैं यहां खड़ा हूं, मैं अर्थ पे खड़ा हूं, सन क्या हो रहा है, यहां से ट्रेवल करते हुए लेट से आया और फाइनली यहां पहुंच गया। अब सन सनसेट होने वाला है, सनसेट के समय यू विल फाइंड कि सन की दूरी मुझसे बहुत ज्यादा दूर है, सन मुझसे बहुत ज्यादा दूर है। ओके, यहां पे जब सन था तो क्या था, सन का और मेरा डिस्टेंस इतना सा था, फिर सन धीरे 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 दूर होता गया और फाइनली अब डिस्टेंस इतना हो गया। तो जैसे जैसे सन सनसेट होता है, सनसेट जैसे जैसे धीरे धीरे होने लगता है, सूर्यास्त होता है, उस समय सन की दूरी धीरे धीरे आपसे बढ़ती जाती है। और जब फाइनली सनसेट होने वाला होता है तब सन मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है। नाउ अब सन अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो इस पॉइंट पे भी सन से लाइट रेज निकल रही है। कौन सी लाइट निकल रही है, सन से वाइट लाइट निकलती है। वाइट लाइट जब निकल रही है और अर्थ पे आने के लिए, लेट से दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ये ऐसा, देन फिर ऐसा, इस तरह से। तो जब सनलाइट आपके पास आएगी, यहां पे पहुंचेगी, तो उसको ये पूरा एटमॉस्फेयर क्रॉस करके आप तक पहुंचना होगा। लेट से आप यहां खड़े, तो आप तक पहुंचने के लिए इसको इतना पूरा एटमॉस्फेयर क्रॉस करना होगा। यहां से एटमॉस्फेयर में एंटर होगी सनलाइट और चलते चलते यहां तक जाने के लिए इतना एटमॉस्फेयर इसको ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन जब सन यहां पर था तो एटमॉस्फेयर उसको कम ट्रेवल करना पड़ रहा था, यहां पे जब लाइट ऐसी आ रही थी तो सिर्फ इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा था। लेकिन इस वक्त इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो जैसे जैसे सनसेट हो रहा है तो मैं कहूंगा कि सन को, सन से आने वाली रेस को अर्थ तक पहुंचने के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, ज्यादा एटमोस्फेयर क्रॉस करना पड़ रहा है। अब बात आती है स्कैटरिंग की। अगर सन की रेस जैसे ही एटमोस्फेयर में एंटर होंगी, हम देखेंगे कि यहां पे हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, सॉरी स्कैटरिंग देखने को मिलेगी। व्हाई स्कैटरिंग, बिकॉज पार्टिकल साइज जो है वो बहुत छोटा है कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ दिस कलर्स, इन कलर की वेवलेंथ के कंपैरिजन में। सो आई विल से कि जैसे ही इसमें ये एंटर होंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सभी स्कैटर होना शुरू हो जाएंगे। और हमने देखा कि रेलिग ने बोल दिया कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट जो है वो प्रोपोर्शनल है लैम्डा की पावर 4 के। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी, मतलब वो आसानी से अपने पाथ पे ट्रेवल कर सकती है। जिस लाइट में स्कैटरिंग होगी वो बिखर जाएगी, जिस लाइट में स्कैटरिंग कम होगी वो ज्यादा दूरी तक ट्रेवल कर सकती है। तो आई विल से इस केस में सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की है। अगर वेवलेंथ की, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इट मीन्स उसमें स्कैटरिंग सबसे कम होगी। तो आई विल से रेड कलर विल स्कैटर लीस्ट, रेड कलर विल स्कैटर लीस्ट, सबसे कम स्कैटरिंग होगी। तो जब यहां से एटमॉस्फेयर में लाइट एंटर हुई
तो क्या होगा, स्कैटरिंग होना शुरू होगी। स्कैटरिंग होते 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 जब लाइट यहां से यहां तक पहुंचेगी तो ये सभी छह कलर रिफ्लेक्ट स्कैटर हो जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे, और अंत तक कौन ट्रेवल करेगा, रेड कलर। इसीलिए आप तक पहुंचते पहुंचते लाइट के, इस सनलाइट के छह कलर्स बिल्कुल बिखर जाते हैं और सिर्फ रेड लाइट आप तक पहुंच पाती है। तो आप तक कौन सी लाइट पहुंची, रेड कलर की। तो आपको क्या दिखेगा कि सन से जो लाइट आ रही है वो रेड कलर की है। हेंस सन सनसेट के समय और सनराइज के समय रेड कलर का दिखाई देगा, क्योंकि अगर सन यहां पे तो सनराइज के समय भी सन ऐसा चढ़ेगा और सनसेट के समय ऐसा गिर जाएगा। तो आई विल से सनसेट और सनराइज के समय आपसे जो डिस्टेंस है सन का वो बहुत ज्यादा होगा, वो दूरी मैक्सिमम होगी। सो वी कैन राइट दिस, डिस्टेंस इज मैक्सिमम एट सनसेट एंड सनराइज। सनराइज और सनसेट के केस में डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, तो ज्यादा दूरी तक ट्रेवल करना होगा तो लाइट को, तो सबसे ज्यादा दूरी तक कौन ट्रेवल कर पाएगा, सिर्फ रेड लाइट, क्योंकि उसमें स्कैटरिंग बहुत कम होगी। जिस लाइट में स्कैटरिंग ज्यादा होगी वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा और फाइनली वो यहां तक पहुंचते पहुंचते सारी लाइटें बिखर जाएंगी और आपको अंत में सिर्फ रेड लाइट ही मिलेगी। ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई सन अपीयर्स रेडिश कलर्ड एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। नाउ नेक्स्ट इज रेनबो फॉर्मेशन। ओके, फर्स्ट यू कैन नोट दिस, देन आई विल रब दिस। ओके, सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द लास्ट फिनोमेना इज फॉर्मेशन ऑफ रेन। सो फिफ्थ नेचुरल फिनोमेना इज फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। एक्चुअली दिस फिनोमेना इज नॉट एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेलिक स्कैटरिंग, यह फिनोमेना बेस्ड है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, बिकॉज हमने देखा कि वो स्पेक्ट्रम बनता है, विजिबल स्पेक्ट्रम, सात रंग दिखते हैं। तो दिस इज बेस्ड ऑन न्यूटन एक्सपेरिमेंट, जो वो प्रिज्म वाला हमने एक्सपेरिमेंट किया था। चलिए इसे समझते हैं। आपने देखा है कि रेनबो हमें तभी दिखाई देता है जब बारिश के समय सन निकल जाए, जब सूरज निकल जाए, धूप आ जाती है, बारिश होती रहती है, धूप आ जाती है, या बारिश के जस्ट बाद धूप आ जाती है, तब आपको रेनबो दिखाई देता है। और आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, आपको रेनबो तभी दिखाई देता है जब आप सन के अपोजिट में खड़े हो, जब सन की तरफ आपकी पीठ हो, आपका बैक जब सन की तरफ हो। लेट से मैं ऐसा खड़ा हुआ हूं और सामने सन है, तो अगर मैं इधर देखूंगा तो मुझे रेनबो नहीं दिखेगा, कहीं पे भी देख लो आप, नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ऐसा खड़ा हूं और मेरे पीछे सन है और मैं सामने देख रहा हूं, बारिश हुई है, मैं मान लेता हूं कि जस्ट थोड़ी देर पहले बारिश हुई और अब बारिश रुक चुकी है और मेरे पीछे सन है, और मैं जब ऐसा ऊपर इधर देखूंगा तो आई विल फाइंड कि मुझे रेनबो दिखाई देगा, ऐसा पूरा गोल शेप का रेनबो दिखेगा, सन मेरे पीछे की तरफ। तो मैं क्या कहूंगा मेरे फ्रेंड को कि देख रेनबो ऐसा। अब मान लेते हैं कि वो उस तरफ खड़ा है, वो उधर खड़ा है और वो इस तरह से खड़ा हुआ है, तो उसके सामने क्या है, उसके सामने सन है। ओके, उसके बैक में क्या है, उसके बैक में रेनबो दिख रहा है। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा आपने बोला कि नहीं देख ऐसा रेनबो दिख रहा है, तो वो यहां खड़े होके इधर देखेगा, इधर जब वो ऑब्जर्व करेगा तो उसको रेनबो दिखाई नहीं देने वाला, तो वो आपको बोलेगा अरे रेनबो कहाँ है, झूठ बोलता है। आप बोलोगे नहीं मैं ऐसा खड़ा हूं मेरे को दिख रहा है रेनबो, फिर वो बोलेगा नहीं मैं ऐसा खड़ा हूं मैं इधर ही देख रहा हूं लेकिन मुझे रेनबो नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने के पीछे अगेन डिस्पर्जन ऑफ लाइट का फिनोमेना काम करता है। हम कहेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है इसीलिए रेनबो दिखाई देता है। तो किस तरह से देखता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं मान लेता हूं कि दिस इज ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड, और यहां पे बारिश हो रही है,
यहाँ पे ऐसा बारिश हो रही है और यहां पे लेट से सन, ये ऐसा सन है और यहां पे बारिश हो रही है और आप खड़े हो यहां पे, ये आपकी आंख है। आप क्या कर रहे हो? आप लेट से थोड़ा और आगे खड़े करते हैं, आप लेट से यहां खड़े हो, दिस इज योर आई, तो आप ऐसा खड़े हो और ऐसा ऊपर देख रहे हो और सन कहाँ है? सन आपके पीछे, ये बैक साइड में सन है और आप इधर देख रहे हो। यू विल ऑब्जर्व रेनबो, हाउ? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब बारिश हो रही है या बारिश हो चुकी है तो हम कहते हैं कि हवा में नमी आ गई, हवा गीली हो गई। कैसे गीली हो गई? बिकॉज उस एयर में एयर ड्रॉपलेट्स आ गए, एयर के छोटे छोटे पार्टिकल, वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए, तो वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से वो हवा गीली हो गई, वो हवा में नमी आ गई। जो ये बारिश हो रही है इसमें क्या है? वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं एंड दीज ड्रॉपलेट्स आर सर्क्यूलर इन शेप, ये बिल्कुल गोल शेप के ही होते हैं। लेट अस से लाइक दिस, ऐसा आई हैव जस्ट मेड देम लार्ज, मैंने सिर्फ उनको बड़ा इसलिए बनाया कि अपन उसे समझ सके, अदरवाइज दीज आर वेरी स्मॉल, दीज आर कंपेयर टू डस्ट पार्टिकल, इतने छोटे वाले। मैं बड़ी बूंद की बात नहीं कर रहा कि पानी की एक बहुत बड़ी बूंद है, मैं छोटी सी बूंद की बात कर रहा हूँ जो कि स्फेरिकल शेप की है। अब आप देखेंगे बड़ी वाली जो पानी की बूंद होती है वो कुछ ऐसे शेप की हो जाती है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट दोस ड्रॉपलेट्स विच आर वेरी स्मॉल। तो ये छोटी ड्रॉपलेट्स को जैसे ही मैं यहां से देखूंगा, ये ड्रॉपलेट्स मुझे कैसे दिखेंगी? इन ड्रॉपलेट्स पे सनलाइट आके गिरेगी, इन ड्रॉपलेट्स पे सनलाइट कुछ इस तरह से स्ट्राइक करेगी। कुछ ऐसा, अलग अलग ड्रॉपलेट्स पे अलग अलग सन की रेस स्ट्राइक करेंगी। नाउ अब अगर इस ड्रॉपलेट को हम ध्यान से देखें तो इस ड्रॉपलेट में जब सन की रेस स्ट्राइक करेंगी तो इस ड्रॉपलेट के इस सरफेस के बाहर क्या है? एयर, और अंदर क्या है? वाटर, पानी की ड्रॉपलेट है तो अंदर पानी है, बाहर हवा है। तो इस सरफेस पे मैं कहूंगा कि यहां पे रिफ्रैक्शन क्रिएट होगा, यहां पे रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होके ये लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगी और ऐसी कुछ जाएगी और यहां पे स्ट्राइक करेगी, तो क्या होगा? यहां पे वापस से रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस पे, और इस सरफेस पे वापस से रिफ्रैक्शन होके हो सकता है लाइट रे बाहर निकल जाए। और दूसरी केस हो सकती है, हमने एक फिनोमिना पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी ड्रॉप में होगा। आई विल से अगर मैं 1000 ड्रॉप्स को देख रहा हूं तो 1000 में से लेट से 10 में ऐसा हो रहा होगा। कैसा होगा? कि जो ये लाइट रिफ्रैक्ट होके अंदर गई है ये यहां पे वापस से रिफ्रैक्ट होके इधर टकरा जाएगी, यहां से टकरा के वापस से ऐसी टकरा जाएगी। किस तरह से हुआ? ये लाइट रे इंसिडेंट हुई अंदर की, मैं एक स्पेशल केस मान रहा हूं कि लाइट रे इधर टकरा के वापस से अंदर आ गई, हो सकता है लाइट रे बाहर निकल जाए, बट मैंने स्पेशल केस लिया कि लाइट रे नहीं, बाहर नहीं गई, लाइट रे ऐसी आ गई। फिर इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, क्या हो सकता है इस सरफेस पे भी? इस सरफेस पे भी लाइट रे बाहर निकल सकती है, लेकिन अगेन मैंने स्पेशल केस लिया कि लाइट रे यहां पे भी टकरा के ऐसा रिफ्रैक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होके इस सरफेस पे जब टकराएगी तो यहां से ये लाइट रे बाहर निकलेगी। ओके, आई होप समझ में आ गया है जो भी मैं कहना चाह रहा था। मैंने कहा कि ड्रॉपलेट में लाइट रे इस तरह से एंटर होगी, रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहां टकराएगी, फिर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो जाएगा और ये यहां से यहां जाएगी, फिर यहां पे वापस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये यहां जाएगी और यहां पे फाइनली वापस से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो जाएगा और ये पानी से बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब जब ये सनलाइट इस बूंद के अंदर गई तो
तो दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके ये बूंद से बाहर निकल गई, ये सनलाइट ऐसी गई, दो बार रिफ्लेक्शन हुआ कुछ इस तरह से, और ये भी बूंद से बाहर निकल गई, ये सनलाइट इसको टकराएगी ऐसा, देन ऐसा, और ये भी बाहर निकल गई, और कुछ इस तरह से ये आने लगी। नाउ अब जब यहां पे इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन क्रिएट होगा, तो रिफ्रैक्शन यहां पे क्यों होगा? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पे हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलेगा, यहां पे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलेगा। लेकिन हमने एक चीज कही थी कि दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन लाइट ऑल्सो, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लाइट, किस प्रकार की लाइट उससे टकरा रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये सनलाइट से जो लाइट आ रही है, दिस इज अ व्हाइट लाइट, इसमें सातों कलर हैं। मैं मानता हूं कि लेट से इस ड्रॉपलेट पे जब ये लाइट टकराई, तो रिफ्रैक्शन सेवन कलर्स में अलग अलग तरह से होगा, सभी लाइट का रिफ्रैक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा, कोई भी सेम नहीं होने वाला। और अगर सभी में अलग अलग तरह का रिफ्रैक्शन हुआ, तो यहां पे जब ये लाइट इधर टकराएगी, तो क्या जरूरी है कि सभी कलर में एक साथ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो? हम कहेंगे नहीं। जब ये सनलाइट इधर टकराएगी, तो ये ऐसा सेवन कलर्स में बिखरेगी, ऐसा सेवन कलर्स में बिखर के हो सकता है एक कोई कलर यहां पर जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करे और बाकी सारे कलर बाहर निकल जाए, ऐसा, फिर यहां पे टकरा के, फिर यहां पे, और ऐसा। तो अलग अलग ड्रॉपलेट्स पे जब सनलाइट गिरेगी, तो अलग अलग ड्रॉपलेट से जो लाइट इस तरफ आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, वो लाइट लेट से कोई वायलेट कलर की होगी, कोई रेड कलर की, कोई ग्रीन कलर की, देन ब्लू, ऐसा कोई हो सकता है ब्लू कलर की आ रही होगी, देन इंडिगो कलर की, देन ऑरेंज कलर की, इस तरह से ये कलर्स हमें आते हुए दिख रहे होंगे। एंड फाइनली जब ये ड्रॉपलेट्स अलग अलग कलर की लाइट्स एमिट करेंगी, तो आपको यहाँ पे ऐसा रेनबो दिखाई देगा, इस तरह से यू विल ऑब्जर्व रेनबो फॉर्म एट दिस पॉइंट, ऐसा आपको रेनबो फॉर्म होता दिखाई देगा। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। ऐसे दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां पे हो रहे हैं, यहां पे लाइट का वेवलेंथ अलग है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग है, तो इसीलिए ये लाइट इस तरह से आती है और फाइनली आपको रेनबो दिखेगा। अब आप सोचिए कि अगर मैं इस रेनबो को यहां खड़े होके देखना चाहूं, यहां पे ऐसा, ये ग्राउंड है, मेरा फ्रेंड यहां खड़ा हुआ है, मैं यहां खड़ा हुआ, मैंने देखा रेनबो, मैंने उसको बताया कि देख रेनबो, तो क्या ये पर्सन इस रेनबो को देख पाएगा? हम कहेंगे नो, दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व दिस रेनबो। व्हाई? बिकॉज लाइट रे इनसे टकरा के मेरी आंखों में आ रही है, क्या लाइट रे इधर जा रही है? नो, ये इधर नहीं जा रही, तो ही विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व दिस रेनबो। हेंस रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस फ्रॉम वॉटर ड्रॉपलेट्स। उन वॉटर ड्रॉपलेट्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए रेनबो बनता हुआ दिखाई देता है। सो दिस इज हाउ रेनबो इज फॉर्म। और रेनबो के लिए क्या जरूरी है? कि योर बैक शुड बी टुवर्ड्स सन। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर रेनबो? योर बैक शुड बी टुवर्ड्स सन, सन की तरफ आपका बैक होना चाहिए, तभी आप रेनबो को प्रॉपरली देख पाएंगे। सो दिस इज हाउ रेनबो इज फॉर्म।
एंड दीज आर द नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल एग्जाम्पल्स जो कि लाइट के अलग अलग प्रॉपर्टीज की वजह से होते हैं. सो दिस इज आवर कंक्लूडिंग सेशन अबाउट कलरफुल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना और डिस्पर्शन और स्कैटरिंग. सो यहाँ पे हमने एक बहुत ही मेजर टॉपिक कवर कर लिया है. नेक्स्ट क्लास में हम इनके कुछ क्वेश्चंस, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग ऑन द आई और रेनबो और प्रिज्म और डिस्पर्शन. इनके बेसिस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव देन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देन न्यूमेरिकल्स इनको डिस्कस करेंगे. सो यू कैन नोट दिस एंड थैंक यू.